हेलो गाइस गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के अंदर हम पढ़ चुके हैं अभी तक क्लोज पैकिंग तक। अब हमारा जो नया टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉइड्स। वॉइड्स क्या होता है बच्चों? वॉइड्स का मतलब वैसे होता है हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में जो खाली जगह होती है, खाली स्पेस को हम वॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल केमिस्ट्री में भी बिल्कुल वही चीज़ है। वॉइड क्या होता है? जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं बच्चों एटम्स की, तो जो जगह खाली रह जाती है उसी को वॉइड बोलते हैं। द स्पेस लेफ्ट वेकेंट ड्यूरिंग द क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड वॉइड। मतलब जब भी हम क्लोज पैकिंग करते हैं तो जो क्लोज पैकिंग के दौरान, आपको पता है जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम FCC यूनिट सेल की होती है 74%। मतलब उसके अंदर भी 26% जगह क्या रह जाती है? खाली रह जाती है। तो जो जगह खाली रह जाती है क्लोज पैकिंग के दौरान उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? वॉइड बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये बच्चों हमारा डायग्राम, ये देखिए तीन एटम है स्फेरिकल, ये तीन एटम के बीच में आप देख सकते हैं ये जो जगह खाली रह गई है, जिस ये छोटी सी जगह ये हमारी खाली रह गई है, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वॉइड बोलते हैं। तो ये हमारा वॉइड है, ये हमारा वॉइड है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे जो वॉइड होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारे टेट्राहेड्रन वॉइड और एक होता है हमारा ऑक्टाहेड्रन वॉइड। अब टेट्राहेड्रन वॉइड कैसा होता है बच्चों? इट इज ट्राइंगुलर वॉइड, मतलब ये ट्रायंगल की तरह शेप होगी इसकी, इस तरीके से होगी इसकी शेप। सराउंडेड बाय फोर स्पेयर, और कितने स्पेयर से सराउंड होता है? चार स्पेयर से सराउंड होता है, मतलब चार गोलों से, चार स्पेयर से घिरा होता है। कैसे बनता है बच्चों? आप देख सकते हैं ये हमारा, इसके अंदर क्या करेंगे, आपने तीन स्पेयर बना लिए, दो स्पेयर ऊपर एक स्पेयर नीचे, ठीक है बच्चों, और एक लेयर ये बन गई और दूसरी लेयर में एक स्पेयर इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब भी इसके अंदर क्या रह गई है? खाली जगह रह गई है बच्चों। ये यूनिट थोड़ी सी इमेजिनेशन वाली यूनिट है, इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है। तो ये हमारे दो स्पेयर और ये तीसरा स्पेयर, तीन स्पेयर हो गए। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे देखते हैं। जैसे कि बच्चों ये हमारा एक स्पेयर, एक ये हमारा स्पेयर, दो स्पेयर और एक हमारा ये स्पेयर, एक ये स्पेयर, ये तीन स्पेयर आ गए, ठीक है बच्चों। अब आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर जगह खाली रह गई है, ये वाली जगह हमारी इसके अंदर ये खाली रह गई है। ये जो मैं इसको ब्लू ब्लू कर रहा हूँ, इसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी जगह बच्चों खाली रह गई है, ये जिसको ब्लू कर रहा हूँ मैं, ये हमारी, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी ये हमारा सिंपल वॉइड है, अभी इसको टेट्राहेड्रन वॉइड बनाना है तो ये सराउंड होगा चार स्पेयर से, मतलब इसके ऊपर एक स्पेयर और आ जाएगा। इस तरह से हमने, सॉरी, इस तरीके से हम इसके अंदर ऊपर एक स्पेयर और लगा देंगे। तो ये हमारा कैसा बन गया? टेट्राहेड्रन वॉइड बन गया, जैसे मैंने बनाया हुआ देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ये हमने जो बनाया हुआ है, ये दो स्पेयर ये लगा रखे हैं, एक स्पेयर ये लगा रखा है और इसके ऊपर एक स्पेयर और लगाया हुआ है। तो ये हमारा जो है वो क्या है? ये हमारा टेट्राहेड्रन वॉइड है। दो स्पेयर ऊपर एक नीचे, एक लेयर बन गई और जो दूसरी लेयर होगी बच्चों उसके ऊपर केवल एक एटम आएगा। तो ये जो जगह खाली दिख रही है आपको, इसके नीचे भी जगह खाली रह जाएगी। आप लगा के देख सकते हैं, इस तरह से तीन बॉल लगा लें आप अपने घर पर, दो बॉल ये, एक बॉल नीचे और एक बॉल उसके ऊपर लगा दें, तो फिर भी जगह खाली रह जाएगी। जो बीच में जगह खाली रह जाएगी उसकी शेप ट्रायंगुलर होगी इस तरीके से। इसको बोलेंगे बच्चों हम टेट्राहेड्रन वॉइड, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑक्टाहेड्रन वॉइड। ऑक्टाहेड्रन वॉइड क्या होता है बच्चों? इट इज़ डबल ट्रायंगुलर। वो सिंपल ट्रायंगुलर था, मतलब उसकी शेप सिंपल ऐसे ट्रायंगल की तरह आई थी। ये डबल ट्रायंगुलर है, मतलब इसकी शेप कैसी आती है? पान की तरह शेप होते, इस तरीके से दो ट्रायंगल बनते हैं। अगर बीच में एक लेयर लगा दो तो एक ट्रायंगल ऊपर होगा, एक ट्रायंगल नीचे हो गया। तो ये डबल ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी। और सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्पेयर्स? सिक्स स्पेयर, छः स्पेयर से घिरा होता है। ये कैसे बनता है बच्चों? अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर क्या करना है आपको, दो स्पेयर, पहले तो तीन स्पेयर की लेयर नीचे बनेगी और तीन की ऊपर बनेगी। तो दो स्पेयर आपने ऊपर रखे और एक स्पेयर नीचे रखा, तीन स्पेयर की लेयर बन गई। उस ये आपका देख सकते हैं पिंक कलर की है हमारी, पर्पल कलर की है। उसके बाद ब्लैक कलर की लेयर बनाई अब की बार, लेकिन हमने दो स्पेयर नीचे रखे और एक स्पेयर ऊपर रखा। मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ, देखें। जैसे कि ये बच्चों हम बनाते हैं इसको, ये हमने एक स्पेयर बना लिया, ये दूसरा स्पेयर बना लिया और ये हमने इसका तीसरा स्पेयर बना दिया बच्चों, ठीक है। तो दो स्पेयर ऊपर आ गए, आप देख सकते हैं
ये हमारे दो स्पेयर ऊपर आ गए, 1 2 3, और एक दो स्पेयर ऊपर एक स्पेयर नीचे। आप क्या करेंगे दूसरी तीन इसमें, क्योंकि ये 6 स्पेयर सराउंड होता है, तो इसमें और क्या करेंगे आप, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, पहले दो ऊपर थे एक नीचे, अब क्या करेंगे अब दो नीचे एक ऊपर। तो जैसे कि पहले मैं दो नीचे स्पेयर बना दिए मैंने, एक स्पेयर ये बन गया, एक स्पेयर ये बन गया, दो नीचे स्पेयर आ गए बच्चों, और एक स्पेयर ऐसे ही हमारा ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो स्पेस जगह आएगी यहाँ पर, ये जब थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो इसकी शेप इस तरीके से आएगी, इस तरीके से शेप बनेगी इसकी, इस तरीके से ये हमारा इस तरह से शेप आएगी पान की तरह, और बीच में अगर एक लाइन लगा देते हैं तो डबल ट्रायंगल बन जाएंगे, इसलिए इसको डबल ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं या फिर ऑक्टागन वॉइड बोलते हैं। ये सराउंड होता है 6 पेयर से, इसमें दो लेयर बनती हैं हमारी, दो लेयर बनती हैं हमारी, 3 एटम की लेयर नीचे और 3 एटम की लेयर ऊपर, जिसके अंदर पहली लेयर के अंदर जो 3 एटम की पहली लेयर है उसके अंदर बच्चों 2 एटम ऊपर है और 1 एटम नीचे है, और जो दूसरी लेयर है उसके अंदर 2 एटम नीचे है और 1 एटम ऊपर है। इस तरीके से बच्चों आप इसको बनाएंगे कंपास का यूज़ करके, एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस आ गया टेट्राहेड्रन वॉइड और ऑक्टाहेड्रन वॉइड के अंदर। टेट्राहेड्रन वॉइड के अंदर 4 स्पेयर होते हैं और ऑक्टाहेड्रन वॉइड के अंदर 6 स्पेयर होते हैं। टेट्राहेड्रन वॉइड के अंदर भी 2 लेयर होती हैं, इसमें भी 2 लेयर होती हैं। टेट्राहेड्रन वॉइड के अंदर 3 एटम की एक लेयर नीचे आती है और 1 एटम की एक लेयर ऊपर आती है। इसमें 3 एटम की लेयर नीचे और 3 एटम की लेयर ऊपर, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है उसमें क्या होगा, 2 एटम ऊपर 1 एटम नीचे, और ऊपर वाली लेयर के अंदर 1 एटम ऊपर 2 एटम नीचे। इस तरीके से बच्चों हम टेट्राहेड्रन वॉइड और ऑक्टाहेड्रन वॉइड को जनरेट कर सकते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है, जो जगह खाली रह जाती है ड्यूरिंग द क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ बहुत नोट करने वाली, बहुत काम की है बच्चों यहाँ पर, वो ये है, मैंने आपको नोट में बताया है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको उसके अंदर इसके नोट से ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे बहुत ईजिली। तो नोट हमारा क्या कह रहा है बच्चों, इफ़ देर आर एन नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, अगर क्लोज पैकिंग के दौरान एन एटम्स हैं, देन ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स भी कितने होंगे, एन ही होंगे, और टेट्राहेड्रन वॉइड्स लेकिन क्या होंगे, 2n होंगे, ट्वाइस होंगे, डबल होंगे। देख सकते हैं ये मैंने क्या लिखवाया है, अगर बच्चों n नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लोज पैकिंग में, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स भी कितने होंगे, n ही होंगे। मतलब अगर जैसे कि इसमें 3 एटम्स क्लोज पैकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रन वॉइड भी कितने बनने चाहिए, 3 बनेंगे, जब हम इसकी पूरी की पूरी सारी लेयर्स बना देंगे 3 डायमेंशन में, पूरा का पूरा कंप्लीट क्रिस्टल बना देंगे जब इसको। और टेट्राहेड्रन वॉइड कितने होंगे बच्चों, 2n होंगे, मतलब उसके ट्वाइस होंगे, टी से टेट्रा और टी से ट्वाइस, डबल आएंगे एन नंबर ऑफ एटम्स के। मतलब कि अगर 3 एटम्स क्लोज पैकिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रन वॉइड्स कितने आएंगे, 6 आएंगे, डबल होंगे, 3 2 6। जैसे कि बच्चों मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो आपको बताया था मैंने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताए थे सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में और एफसीसी में। सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं बच्चों, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 1, बीसीसी में होते हैं 2 और एफसीसी में होते हैं 4। बताया था आपको, कैलकुलेट करके भी दिखाया था, 1 2 का 4, 1 2 का 4 का मतलब सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर ही होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रन वॉइड कितने होंगे, 1 आएंगे, और बी सिंपल क्यूबिक में बीसीसी में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स भी 2 हैं, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स भी कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, क्योंकि एन नंबर ऑफ एटम्स अगर क्लोज पैकिंग में हैं तो हमारे वॉइड्स भी, ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स भी बराबर ही होते हैं, एन के बराबर ही होते हैं। लेकिन जो टेट्राहेड्रन वॉइड्स होते हैं बच्चों वो 2n के बराबर होते हैं, वो ट्वाइस होते हैं, डबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर सिंपल क्यूबिक में 1 हमारे एटम है तो टेट्राहेड्रन वॉइड्स कितने आ गए, 2 हो गए, डबल हो गए। बीसीसी में अगर 2 एटम है तो हमारे टेट्राहेड्रन वॉइड्स कितने आ गए, 2 2 4, डबल हो गए। और एफसीसी में अगर हमारे 4 एटम्स हैं तो हमारे टोटल टेट्राहेड्रन वॉइड्स कितने आ गए, 8 आ गए, 4 2 8। तो इस तरीके से बच्चों हमारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में बीसीसी में और एफसीसी के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रन वॉइड होंगे और कितने टेट्राहेड्रन वॉइड होंगे। बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आप बताएंगे कि मुझे ईसीसी मैंने बताई थी एक यूनिट सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक, उसको चेक करना आप, उसमें एटम्स कितने हैं, तो उसके अंदर आप ऑक्टाहेड्रन वॉइड कितने होंगे और टेट्राहेड्रन वॉइड कितने होंगे, उन दोनों को निकाल के ईसीसी में एंड सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर आप मुझको कमेंट करेंगे और आप इसका आंसर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।